हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। आज की ट्रेन जानकारी है 18610 मुंबई LTT रांची वीकली एक्सप्रेस। ये ट्रेन महाराष्ट्र राज्य के लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से झारखंड के रांची जंक्शन तक चलती है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस जिसका स्टेशन कोड है LTT और रांची जंक्शन का स्टेशन कोड है RNC। ट्रेन का इनॉगरल रन इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था शुक्रवार 18 अक्टूबर 2012 को और तब से ही ये ट्रेन हमें और इंडियन रेलवे को अपनी सेवाएं निरंतर देती आ रही है। क्योंकि दोस्तों ये एक वीकली एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है तो ये हफ्ते में केवल एक दिन चलती है। हर शुक्रवार को ये ट्रेन LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना होती है और हर रविवार को ये ट्रेन रांची जंक्शन पहुँचती है। तो आज की ये वीडियो इसी ट्रेन से रिलेटेड होने वाली है। ट्रेन से संबंधित आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताएंगे, जैसे कि ट्रेन का रूट स्टॉप कौन सा रहता है, ट्रेन का किराया क्या रहता है, कौन से स्टेशन पर कितना देर रुकती है, ट्रेन में खान पान की सुविधा कैसी है, इन जैसी तमाम जानकारी आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी डेली ट्रेन इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए। और इसके अलावा किसी भी और ट्रेन से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ट्रेन का नंबर लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से रांची जंक्शन तक के 2003 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन 37 घंटे 50 मिनट में कवर करती है। इस दौरान ये ट्रेन 26 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए रांची जंक्शन पहुँचती है। इस पूरी यात्रा के दौरान इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 53 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की और इस ट्रेन के मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की। ये एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जिसे साउथ ईस्टर्न रेलवे डिवीजन ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में आपको नॉर्मल तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों टाइप के तत्कालों की सुविधाएं मिल जाती हैं। केटरिंग और खान पान से संबंधित थोड़ी सी जानकारी बता दें, इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं रहता, लेकिन आप चाहें तो ऑनबोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं इस ट्रेन में। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन के बारे में। इस ट्रेन में आधुनिक LHB कोचेस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्पीड, सेफ्टी और कंफर्ट के लिहाज से बहुत ही बढ़िया कोचेस माने जाते हैं, जिसमें जनरल क्लास का 2 कोच रहता है, स्लीपर क्लास का 11 कोच रहता है, थर्ड AC का 5 कोच रहता है, सेकेंड AC का 1 कोच रहता है और फर्स्ट AC का भी 1 ही कोच रहता है। लोकोमोटिव के बारे में बात करते हैं। इस ट्रेन में पूरी यात्रा के दौरान लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रांची जंक्शन तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का यूज किया जाता है। इस ट्रेन का लोकोमोटिव कहीं भी चेंज नहीं होता और हमेशा इस ट्रेन का लोकोमोटिव WAP-7 रहता है जो कि इस ट्रेन का ऑफिशियल लिंक है और प्रयागराज जंक्शन में इस ट्रेन का रेक रिवर्सल होता है। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में। जो किराया मैं आपको बताऊंगा वो मुंबई से रांची तक का पूरा कंप्लीट किराया होने वाला है और ये किराया इंडियन रेलवे द्वारा अपडेटेड और लेटेस्ट किराया है। लेकिन अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं इन फ्यूचर, इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर रिजर्वेशन काउंटर पर एक बार चेक कर लीजिएगा कि इस ट्रेन का किराया क्या रहेगा उस टाइम, क्योंकि इंडियन रेलवे के किराए में समय समय पर बदलाव किए जाते हैं। जनरल क्लास की बात करते हैं, इसका बेस फेयर है 440 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये, इन सबको ऐड करके जनरल क्लास का टोटल किराया रहता है 455 रुपये। स्लीपर क्लास का बेस फेयर रहता है 740 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये, इन सबको ऐड करके स्लीपर क्लास का टोटल किराया रहता है 760 रुपये। थर्ड AC का बेस फेयर रहता है 1889 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये, GST 96 रुपये, इन सबको ऐड करके थर्ड AC का टोटल किराया रहता है 2015 रुपये। सेकेंड AC का बेस फेयर रहता है 2740 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये, GST 140 रुपये, इन सबको ऐड करके सेकेंड AC का टोटल किराया रहता है 2930 रुपये। फर्स्ट AC का बेस फेयर रहता है 4701 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये, GST 239 रुपये, इन सबको ऐड करके फर्स्ट AC का टोटल किराया रहता है 5000 रुपये। और ये सब जो किराया मैंने आपको बताया ये सब मैंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के द्वारा बताया है, आप चाहें तो रिजर्वेशन काउंटर पर चेक कर सकते हैं इस किराए को। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के रूट स्टॉप और टाइम टेबल के बारे में। ये ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना होने के कम से कम आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर लग जाती है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 से इस ट्रेन का डिपार्चर होता है। यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 4:35 का। टाइम टेबल के अलावा ये ट्रेन कौन से स्टेशन पर किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है ये भी मैंने बताया है वीडियो में, लेकिन अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं, ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं, तो अपने स्टेशन पर एक बार जरूर से चेक कर लें कि ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। पहला स्टॉप है कल्याण जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन 5:17 पर पहुँचती है और 5:20 में से रवाना होती है, यहाँ पर ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। दूसरा स्टॉप है नासिक रोड, यहाँ पर ट्रेन 8:40 पर पहुंचती है और 8:45 में से रवाना होती है, यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है।
तीसरा स्टॉप है मनमाड़ जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात के 9:57 प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचती है और 10 बजे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। चौथा स्टॉप है भुसावल जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात के 12:25 प्लेटफॉर्म 5 पर पहुंचती है और 12:30 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। पांचवा स्टॉप है खंडवा जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात के 2:35 प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचती है और 2:40 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। छठवा स्टॉप है इटारसी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 5 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचती है और 5:10 पर रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। सातवा स्टॉप है पीपरिया, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 6:03 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 6:05 पर रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। आठवा स्टॉप है नरसिंहपुर, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 7:03 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 7:05 पर रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। नवा स्टॉप है जबलपुर, यहाँ पर ट्रेन रात के 8:20 प्लेटफॉर्म 5 पर पहुंचती है और 8:30 पर से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। दसवा स्टॉप है कटनी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 10:05 प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचती है और 10:10 से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। ग्यारहवा स्टॉप है सतना जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 11:50 प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचती है और 11:55 से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। बारहवा स्टॉप है प्रयागराज जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन शाम के 4:10 प्लेटफॉर्म 10 पर पहुंचती है और 4:35 से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पर ट्रेन का रेट रिवर्सल किया जाता है। 13वां स्टॉप है वाराणसी जंक्शन, यहाँ पर यह ट्रेन शाम के 7:45 प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 7:55 से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। 14वां स्टॉप है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, यह ट्रेन रात के 9:15 प्लेटफॉर्म 3 पर पहुंचती है, 9:25 से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। 15वां स्टॉप है भगुआ रोड, यहाँ पर ट्रेन रात के 10:02 प्लेटफॉर्म 3 पर पहुंचती है और 10:04 से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 16वां स्टॉप है सासाराम जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह के 10:35 प्लेटफॉर्म 3 पर पहुंचती है और 10:37 से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 17वां स्टॉप है डेहरी कॉन्सून, यहाँ पर ट्रेन रात के 10:54 प्लेटफॉर्म 4 पर पहुंचती है और 10:56 से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 18वां स्टॉप है अनुग्रह नारायण रोड, यहाँ पर ट्रेन रात के 11:10 प्लेटफॉर्म 3 पर पहुंचती है और 11:12 से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 19वां स्टॉप है गया जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात के 12:10 प्लेटफॉर्म 3 पर पहुंचती है और 12:15 से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 20वां स्टॉप है कोडरमा जंक्शन, यहाँ पर रात के 1:24 प्लेटफॉर्म 3 पर पहुंचती है और 1:26 से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 21वां स्टॉप है हजारीबाग रोड, यहाँ पर ट्रेन रात के 1:53 प्लेटफॉर्म 3 पर पहुंचती है और 1:55 से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 22वां स्टॉप है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन घुमू, यहाँ पर ट्रेन रात के 2:40 प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचती है और 2:45 से रवाना 2:45 से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 23वां स्टॉप है चंद्रपुरा जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात के 3:14 प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 3:16 से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 24वां स्टॉप है बोकारो स्टील सिटी, यहाँ पर ट्रेन रात के 3:50 प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचती है और 4 बजे यहाँ से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। 25वां स्टॉप है मुंबई जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात के 3:05 पर पहुंचती है 5:02 से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 26वां स्टॉप ट्रेन को सुबह के 6:25 पर पहुंचा देती है।